हेलो फ्रेंड्स, लिप टू ईट में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पपीते से बहुत ही टेस्टी सी मिठाई। इसके लिए हमने लगभग 300 ग्राम पपीता ले लिया है। ये पका हुआ पपीता है। मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये 1.5 कप दूध एक पैन में डाल दिया है। इसको हम उबाल के धीमी फ्लेम पे पकाएंगे गाढ़ा होने तक। इसको हमें 1/2 कप करना है पकाते पकाते। इस पर हमने दूध रख दिया है पकने के लिए। अब पपीते को हम ग्रेट कर लेते हैं। ये बहुत टेस्टी मिठाई लगती है। जो लोग पपीता नहीं खाते वो भी मिठाई खाने लगेंगे। देखिए, पपीते को हमने घिस लिया है। गैस पर हमने एक पैन रख लिया है। अब इसमें हम ये ग्रेट किया हुआ पपीता डाल देंगे। इसको अभी हमें तेज पे ही रखना है थोड़ा सा। अब हमने मीडियम फ्लेम कर लिए एक मिनट बाद। इसको हमें पानी सूखने तक इसी तरह चलाते हुए पकाना है। देखिए, पपीते का पानी बिल्कुल सूख गया है। अब इसमें पानी नहीं बचा है। अब इसमें हम ये 1/3 कप डेजिकेटेड नारियल डाल देंगे। आप फ्रेश नारियल भी डाल सकते हैं। इसको हम फ्लेम को एकदम हम स्लो कर लेंगे। अगर हमारा दूध भी पक रहा है, ये भी बस 1/2 कप होने वाला है, 1.5 कप का। इसको हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे। यहाँ मिल्क पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम दूध का यूज करेंगे, आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। देखिए, हमें नारियल का बुरादा डाले हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम ये गाढ़ा किया हुआ दूध डाल देंगे और इसको हम अच्छे से चलाएंगे। फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे। ये हमने फुल फैट दूध लिया था, उससे अच्छी बनी थी ये मिठाई हमारी। अब इसमें हम ये 3 इलायची का पाउडर डाल लेंगे। देखिए, दूध काफी कुछ सूख चुका है। अब इसमें हम ये 1/2 कप चीनी डाल देंगे। चीनी को आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हमने फ्लेम थोड़ा सा तेज कर लिए। इसको हमें लगातार ही चलाना है। इसमें हम 1/2 चम्मच घी डालेंगे। इससे टेस्ट भी अच्छा रहेगा मिठाई का। अब इसको हमें मीडियम फ्लेम पे पानी सूखने तक पकाना है। एक बर्तन को हम घी से ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से कर लेंगे ग्रीस, जिससे कि हमारी मिठाई अच्छे से निकल जाए, अपर साइड भी। देखिए, ये हमारे पपीते का मटेरियल काफी ठीक हो रहा है। हम इसको ऐसे भी खा सकते हैं हलवे की तरह, ये ऐसे भी अच्छा लगेगा। लेकिन हमें मिठाई बनाने के लिए थोड़ा और ठीक चाहिए यहाँ के लिए। देखिए, इसका पानी बिल्कुल हमारा सूख गया है। गैस हम बंद कर देते हैं। अब इस बर्तन में हम
जो हमने ग्रीस किया था उसमें हम पपीते का मटेरियल डाल देते हैं। और इसको हम अच्छे से फैला देते हैं। मेरा मटेरियल कम है तो मैं कम ही स्पेस में फैलाऊंगी। आपको जितना भी थिक रखना है आप उस हिसाब से फैला लें। पपीते का मटेरियल हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से एक डेसिकेटेड नारियल छिड़क देंगे, इससे ये अच्छा लगेगा। देखिए इसमें हमने थोड़ा सा ये नारियल का बुरादा डाल दिया है। आप फ्रेश नारियल भी यूज कर सकते हैं। और इसमें अब हम थोड़ी सी पिस्ता और बादाम कटे हुए वो भी डाल देंगे, वो देखने में सुंदर लगेंगे। इसको हम एक स्पून की सहायता से दबा देंगे जिससे कि हमारे पिस्ता बादाम और ये नारियल हमारा सेट हो जाए बर्फी में। अब इसको हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब तक ये ठंडा होगा उसके बाद हम डिमोल्ड करेंगे। कम से कम 1 घंटा लगेगा इसको ठंडा होने में। पपीते की मिठाई को रखे हुए फ्रिज में 1 घंटा हो गया है, ये ठंडी भी हो गई है। और इसको हम डिमोल्ड कर लेते हैं। हमने किनारे से हल्का सा चाकू से देखिए ये हमारी पपीते की मिठाई निकल गई है। हम साइड चेंज कर देंगे, इस पे हम दूसरी प्लेट रखेंगे जिनमें से ऐसे कर देंगे। देखिए इसको हम मनचाहे आकार में काट लेंगे। देखिए पपीते की बर्फी को बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत टेस्टी होती है। और जो लोग पपीता नहीं खाते अगर वो एक बार ये ट्राई कर लेंगे तो फिर जरूर खाने लगेंगे पपीता। तो आप इसको ट्राई कीजिए और इसको बनाना एकदम आसान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।